आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। समसा पंचायत के मुखिया हेमा मौर्य के हत्याकांड में संलिप्त एक आरोपित को बीते दिन नावकोठी थाना और एसटीएफ पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर समसा गांव के बांध के पास से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। जब आरोपित को पुलिस ने साथ में लेकर उसके घर में छापेमारी की तो वहां से एक राइफल भी बरामद हुई। जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वह नावकोठी थाना क्षेत्र के समसा गांव निवासी अवधेश महतो के पुत्र छोटू कुमार उर्फ जगदीश महतो की गिरफ्तारी हुई है। उपरोक्त बातों की जानकारी देते हुए हेडक्वार्टर डीएसपी निशित प्रिया ने अपने कार्यालय कक्ष में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी। हेडक्वार्टर डीएसपी ने बताया कि एसपी अवकाश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी कर उक्त आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नावकोठी थाना अध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी मोहम्मद फखरे आलम भी साथ में मौजूद थे। मालूम हो कि समसा पंचायत के मुखिया हेमा मौर्य को अपराधियों ने बीते वर्ष 31 जनवरी 2020 की शाम को समसा गांव के बूढ़ी गंडक घाट पर सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान भीड़ से जबरन खींचकर मुखिया को 8 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसमें घटनास्थल पर ही मुखिया की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला मुखिया के परिजनों ने नावकोठी थाना में समसा पंचायत के पूर्व मुखिया समेत कुल 21 लोगों को नामजद आरोपी बनाया। इस हत्याकांड के अभियुक्त बम बम महतो के पुत्र रणधीर कुमार को भी पुलिस ने 12 फरवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। क्या मामला है पूरा? बेगूसराय बखरी नामकोठी का एक बहुत ही चर्चित हत्याकांड हुआ था। पिछले साल हेमा मुखिया की हत्या की गई थी, जिसमें 23 लोगों को नामजद किया गया था। उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई थी और कुछ लोग बाकी थे। उसी सिलसिले में छोटू कुमार उर्फ जगदीश महतो, अब जिसके पिता का नाम अवधेश महतो है, जो समसा नावकोठी का ही रहने वाला है, ये कई दिनों से फरार चल रहा था। इसी में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार समसा बांध के पास से इसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के समय इसके पास देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद किया गया। पुनः गिरफ्तारी के उपरांत इसके घर का सर्च किया गया तो वहां पर से एक राइफल की बरामदगी हुई है। उसी केस के सिलसिले में इसे अग्रसारित किया जा रहा है। पहले की